तो यहाँ हमारी ग्रैंड न्यूज पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, जिसमें कि हमने लगाए हैं डॉल्फिन के सीट कवर्स, एलईडी लाइट्स जो कि है एक्सी लाइट की 130 वॉट की, जो कि हमने लगाई है अपना हेडलैम्प में और नीचे बम्पर में, दोनों प्रोजेक्टर्स हैं इनके अंदर लगाई है, और डैम्पिंग करी है हमने फोर डोर्स के अंदर, वो भी डॉक्टर आर्टिक्स गोल्ड HD। और एक और चीज हमने इसके अंदर करा है स्टेयरिंग रैप, और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से करा है, और GFX के मैट और लगाए हमने, और 3M की 50% टिंट करा है इस गाड़ी में। तो अब बारी हमारे रिव्यू की, तुषार भैया से ले लेते हैं। तुषार भैया, आप हमारे को हमारे काम के कितने स्टार देंगे आउट ऑफ 10? भैया प्रोडक्ट्स के तो मैं आपको दूंगा 10 में से 10। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है भैया, आपके पास रेंज सारी है जी, और जो जो आपने चीजें इंस्टॉल करी है जी भैया, वो मेरे को ऐसा नहीं है कि वो एक एक चीज पड़ी थी, आपके पास वैरायटी थी उनमें, तो आपने मेरे को जो बेस्ट सूटेबल थी मेरी गाड़ी के लिए, मेरे टेस्ट आपका टेस्ट मिक्स करके हमने चीजों को बनाया, मतलब जी, एक टेस्टफुली हमने गाड़ी को बनाया। उसके बाद सर्विस पे अगर मैं आपकी आऊँ तो वहां मैं आपको 8 दूंगा, क्योंकि बस वो थोड़ा काम डिले हो जाता है आपके लड़कों की तरफ से। अच्छा, गलती खैर उनकी भी नहीं है, गाड़ियां इतनी आ जाती है कि उनको हर गाड़ी को अटेंड करना है, तो बस जो कस्टमर आते सबको चाहिए मेरा, मेरे को पहले अटेंड करो। जी 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 जी, तो वहां मैं कर दूंगा, गाड़ी में 4 की बजाय 5 घंटे लग गए, तो वो मेरा घंटा बर्बाद हो गया। लेकिन वो घंटा आपने कवर अप कैसे किया कि जब मैंने गाड़ी देखी बनी हुई, तो मैं बहुत सेटिस्फाई हुआ कि चलो कोई नहीं, एक घंटा ले लिया पर गाड़ी बहुत प्यारी बना गई। चलो अच्छी बात, तो है। मेरी वाइफ ने चलाई गाड़ी जी। तो लड़कियों को दिक्कत होती है रात को चलाने में, तो LED इतनी सॉलिड है 130 वॉट की, तो लो बीम में उसका थ्रो इतना प्यारा है कि उनको हाई की जरूरत, उनको लग रहा था हाई बीम पे चल रही है गाड़ी। अच्छा, सो मैंने उनको बताया कि लो बीम पे है, तो जब ये ऐसा रिव्यू आता है ना तो मन को संतुष्टि होती है ना, पैसा बर्बाद गया ना चीज बर्बाद गई। चलो, तो जब आप पैसे लगाते हो तो एंड ऑफ द डे यही चाहिए कि भाई पैसा सही जगह लगे, तो बस यही है मेरी तरफ से, मैं तो संतुष्ट हूँ। चलो, लाइट का सुन के तो बहुत अच्छा लगा। तो अब हम आते हैं, अपनी बारी है सीट कवर्स की। सीट कवर का फिनिशिंग और सॉफ्टनेस आपको कैसी लगी? भैया जेन्युइन बहुत अच्छी है, क्योंकि कलर आपने मेरे को रेकमेंड किया था इंटीरियर के हिसाब से, मेरे को कलर का पता नहीं था जी, और जो फिनिशिंग हुई है वो बहुत प्यारी है। जो आपने फर्स्ट बात बोली थी कि आपका और जो मेरा टेस्ट था, तो मैं अपना टेस्ट, मेरा भी टेस्ट यही है, सिंपल सोबर और जेन्युइन फिटिंग के साथ ही लगे, जैसा OEM गाड़ियों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो वैसे ही हमने सीट कवर लगाए हैं, तो उसकी फिटिंग आपको अच्छी लगी? बहुत बढ़िया, मतलब मेरे को 4 बंदे बैठे उसके बाद, लगने के बाद चारों ने बोला कि सीट कवर, क्योंकि बैठते ही सबसे पहले सीट कवर पर नजर जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने सीट कवर की तारीफ करी कि ये बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि फिटिंग, एंड ऑफ द डे फिटिंग और कलर, ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं जी। तो सबको बहुत अच्छा लगा, मेरे को ओवरऑल सारी गाड़ी अच्छी लगी। आपने मैट्स भी जो लगाए हैं GFX के, वो भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे फिटिंग है उसमें, मतलब स्लिप होने का कुछ भी झंझट नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। मतलब लग ही नहीं रहा कि ऐसे मैट्स लगे हुए, वो ना पूरा कारपेट फिनिश दे रहा है। हाँ। थोड़ा प्लास्टिक उसमें, वो हाँ, अच्छा हाँ। है, क्योंकि वो बिल्कुल चिपक के बैठा हुआ है, चिपक के बैठा हुआ, तो वो बहुत अच्छा लगा। चलो अच्छी बात है, और स्टेयरिंग कवर भी है, वो भी बहुत सही है, रैप जो हाँ जी वो रैप बहुत अच्छा है उसमें, आपने व्हाइट थ्रेडिंग जो करा है वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है गाड़ी के इंटीरियर के साथ, तो गाड़ी ओवरऑल बहुत टेस्टफुली बनाई गई है, मतलब मेरे को तो अच्छी लगी। तो आप सेटिस्फाई मेरे काम से? 100% 200%। चलो धन्यवाद इस बढ़िया से रिव्यू के लिए, थैंक यू तुषार भैया। यहाँ हमारे पास है नियोस, जिसमें कि हमने लगानी है एक्सी लाइट की LED बम्पर में और हेडलैम्प पे, फॉग लैम्प में, और यहाँ लग चुकी है हमारी डॉक्टर आर्टिक्स डैम्पिंग, जो कि हमने लगाई है अंदर वाले पार्ट पे भी और बाहर वाले पार्ट पे भी, और अंदर हम लगाएंगे डॉल्फिन के सीट कवर्स, हमारी मैटिंग वगैरह और फिल्मिंग वगैरह, और करना है इसका स्टेयरिंग रैप, इसका स्टेयरिंग रैप करना है। दैट्स इट। तो ये हमारे i10 ग्रैंड नियोस के लिए LED एक्सी लाइट की 130 वॉट की, तो करते हैं हम इसके अंदर हेडलैम्प और फॉग लैम्प के अंदर फिटिंग। तो यहाँ हमारी नेक्सोन जो कि कंप्लीट हो चुकी है A to Z वर्क से, जिसमें हमने LED लाइट्स एक्सी लाइट की हेडलैम्प में और नीचे फॉग लैम्प में लगाई है,
और डॉल्फिन के सीखे पर आप इनकी फिटिंग देख सकते हैं, फिनिशिंग देखिए इनकी। ऐसे उस तरफ बिल्कुल ऐसा लगता है OEM फिटमेंट है। इन्हें देख करके कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि आफ्टर मार्केट सीट कवर लगाए हुए हैं। बिल्कुल कलर टू कलर, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर OE कलर है, उससे डिट्टो मैच्ड है 00। और ऐसे ही हमारे GFX, आप इनकी फिटिंग चेक कर सकते हैं। और यहाँ हमने लगाई है 3M की टेंट जो कि है 50%। और ऐसे ही मैं आपको इसके रियर फिटमेंट दिखा दूं। रियर फिटमेंट देखिए इसकी, पीछे से कितने एकदम नीट एंड क्लीन फिटिंग है इसकी। ये हमारा पीछे से कॉलर के साथ जैसा वही हम आता है। और यहाँ हमारी डॉल्फिन की बैजिंग, ऐसे ही रियर सीट कवर की फिटिंग देख सकते हैं। ये प्योर नापा में और बहुत सॉफ्ट कुशन, बहुत सॉफ्ट कुशन। और ऐसे ही अब मैं आपको रियर का दिखा देता हूँ। और ये हमारी रियर की फिटिंग, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। आपको बिल्कुल भी फिर नहीं होगा पीछे कोई लास्टिक या फिर कोई क्लिपिंग करा हुआ, जैसे OEM आता है सेम वही फिटिंग, कोई क्लिपिंग नहीं, कोई अपना लास्टिक नहीं, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने, ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने स्टीयरिंग रैप करा है इसकी फिटिंग। ये आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बिल्कुल, इसकी स्टिचिंग नोटिस कर सकते हैं बिल्कुल OEM है। बिल्कुल साइड से फिटिंग चेक कर सकते हैं, वैसे ही सीट कवर्स को भी आगे से, इसकी स्टिचिंग, इसकी प्रिपरेशन। मेन जो डॉल्फिन ब्रांड के जो PU होता है, ये दो चीजों में बहुत अच्छा होता है, जैसे कि एक सॉफ्टनेस के अंदर और एक जो इनका कलर होता है वो जो गाड़ी का OEM कलर होता है जो प्लास्टिक में होता है उससे डिट्टो मैच करता है। आफ्टर मार्केट आप जाएंगे बिल्कुल आपको कलर में डिफरेंस जरूर मिलेगा, ब्रांडेड सीट कवर में कभी नहीं मिलेगा आपको डिफरेंस। इसकी डबल स्टिचिंग देखिए, इसकी परफोरेशन देखिए, बहुत अच्छी परफोरेशन। और ऐसे ही हमारे GFX के मैट, जिसकी आप फिटिंग देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिटमेंट, कोई गैप नहीं, कोई कुछ नहीं, OEM लॉक के साथ, जैसे कि जो कंपनियां OEM लॉक देती हैं तो ये उनके अंदर लॉक में फंसने के लिए बिल्कुल एक प्रॉपर जगह देते हैं, जिससे कि मैट आपका खिसके भी नहीं और अपनी जगह पे प्रॉपर।